मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण में उनकी उपलब्धियों और योगदान को याद करते हुए जम्मू कश्मीर में हुई एक आतंकी घटना पर भावुक हो गए थे, जिसके जवाब में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जब उस आतंकी घटना को याद किया तो उनकी आंखें भी नम हो गई। आपको बता दें, यह आतंकी घटना जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के पास 25 मई 2006 को हुई थी, जिसमें आतंकियों ने गुजरात से आई एक टूरिस्ट बस को टारगेट किया था, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी जबकि 6 लोग घायल हुए थे। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जबकि कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। आतंकियों ने कश्मीर घूमने आई टूरिस्ट की बस को तब टारगेट किया जब वह मुगल गार्डन की तरफ जा रही थी और उस पर लिखा हुआ था कि हम गुजरात से हैं। इस घटना को याद करते हुए जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड अफसर फारूक अहमद शाह, जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट डायरेक्टर थे, कहते हैं, जैसे ही इस घटना का आजाद साहब को पता चला वो भावुक हो गए और आतंकी घटना का शिकार हुए परिवारों को सांत्वना देने के लिए घटना स्थल पर पहुंच गए। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात प्रशासन से संपर्क किया और सभी यात्रियों को गुजरात भेजने के लिए एक स्पेशल प्लेन की व्यवस्था की। फारूक अहमद शाह इस घटना पर आगे कहते हैं, मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त मुझे 2 बार से अधिक बार कॉल किया था, पूछा था यदि गुजरात गवर्नमेंट इसमें कश्मीर गवर्नमेंट की यदि कोई सहायता कर पाए तो मैं करने के लिए तैयार हैं। वहीं इस आतंकी घटना को आतंकियों ने तब अंजाम दिया जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह डल झील के किनारे शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर वापस जा रहे थे। वहीं इस घटना का शिकार हुए नरेंद्र जारीवाला कहते हैं कि उस वक्त आतंकियों ने ग्रेनेड से बस पर हमला किया था और गुलाम नबी आजाद के बारे में कहते हैं कि उन्होंने इस हमले में वो सब कुछ किया जो कर सकते थे। जिस बस पर आतंकवादियों ने हमला किया उसमें 3 परिवारों के कुल 17 लोग सवार थे, जो सूरत के रहने वाले थे और 22 मई 2006 को सूरत से कश्मीर के लिए निकले थे, जहां पर 25 मई 2006 को आतंकवादियों ने हमला कर दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।